नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सर्दियों के लिए गुड़ और आटे के स्पेशल लड्डू बनाएंगे। तो इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे और गुड़ और आटे के हैं तो बहुत ही हेल्दी है ये, और गुड़ बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। तो आइए बनाते हैं इन्हें। तो ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में ये एक कटोरी घी लिया है और इसमें मैं 2 कटोरी आटा डालूँगी। तो आटा आप थोड़ा मोटा लें, बहुत बारीक ना हो। और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए चलाते हुए कुक कर लेंगे। तो आटा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और इसमें से भुनने की महक आने लगेगी। तो अगर आप ज़्यादा आटा लेते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पर 2 कटोरी में 15 से 20 मिनट में ये भुन जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिए भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने यहाँ काजू बादाम और नारियल लिया है, इन्हें काट लिया है और नारियल को कस लिया। तो इसे गर्म आटे में ही डाल देंगे, तो गर्म होने की वजह से ये उसी में रोस्ट हो जाएंगे थोड़े से। और यहाँ गैस बंद कर दी और इन्हें अच्छे से मिला करके हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में अब हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मिक्सचर निकाल लिया है। तो अब थोड़ा सा इसमें हम घी डालेंगे और एक अच्छे से फुल भरी हुई कटोरी गुड़ की लेंगे, जितना कि हमने आटा लिया था उस सेम कटोरी से। तो 1 से 1.5 कटोरी हम गुड़ डालेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है हमें, यहाँ बहुत कुक नहीं करना है कि वो सिर्फ चाशनी की तरह मेल्ट हो जाए। और थोड़ा टुकड़े करके हम गुड़ को डालें। तो देखिए गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है और अब हम यहाँ गैस बंद कर देंगे और जो मिक्सचर आटे का और ड्राई फ्रूट का था वो इसमें हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो गैस आप यहाँ बंद कर दें और ये गर्म कढ़ाई में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इन्हें बहुत अच्छे से आप मिला लें और अब थोड़ी देर के लिए इन्हें हम ठंडा कर लें, क्योंकि बहुत गर्म है अभी ये। और फिर से हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो देखिए थोड़ा गर्म रहते ही इनके लड्डू बनाने हैं, ज़्यादा ठंडा हो जाने पर इसके लड्डू बनेंगे नहीं, गुड़ बहुत जल्दी जमने लगता है। तो आप थोड़े गर्म में ही लड्डू बनाएं, बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं क्योंकि काफ़ी गर्म है। और अगर आपको फिर भी थोड़ा मुश्किल होती है तो आप हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएं, उससे थोड़ा आराम से ही लड्डू बन जाएंगे। पर आप कोशिश करें गर्म में ही इन लड्डू को बना लें। तो देखिए इस तरह से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए आटा, गुड़ और बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ ये लड्डू तैयार हैं। सर्दियों में खाइए, गुड़ बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। और आप ड्राई फ्रूट कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।